Hi guys, welcome. This is your Samir Kohli sir with the first lecture of the topic called Binomial Theorem. Guys, Binomial Theorem ऐसी है कि आप लोगों का confidence तोड़ देती है 11वीं क्लास में अगर ढंग से ना की जाए. Binomial Theorem की एक अच्छी बात बताऊं, इसमें सिर्फ एक ही formula लगता है और एक ही formula लगने के बाद भी ये chapter बंदे को फसाता ही फसाता है. Binomial Theorem वो चैप्टर है जिसमें आप a प्लस बी के होल स्क्वायर से लेकर a प्लस बी की पावर 1 करोड़ तक भी एक्सपैंड कर सकते हो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कोई भी फॉर्मूला हो आप एक्सपैंड कर सकते हो. आज के बाद आपको आइडेंटिटी रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं रहेगी. आइडेंटिटी की टेंशन ही मत लेना. Binomial Theorem स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीजें जो आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में की होंगी, मुझे पूरी उम्मीद है आपको याद होगी कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2 into 1 that is 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 3 into 2 into 1 that is 6. ये माइंड में कहीं रखना. 10 फैक्टोरियल तक की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए. याद हो तो फायदा होता है. बाइनोमियल में ज्यादा हो या ना हो, फिर आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक फॉर्मूला करा था NCR जो बराबर होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, वेयर n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r और n कॉमा r बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड दे कैन बी जीरो. NCR ये फॉर्मूला आपने करा था. फॉर एग्जांपल 10C3, तो 10C3 क्या होता था, 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू 10 माइनस 3 फैक्टोरियल व्हिच इज इक्वल्स टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू 7 फैक्टोरियल, 10 इनटू 9 इनटू 8 इनटू 7 फैक्टोरियल होल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू 7 फैक्टोरियल. 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. 10 इनटू 9 इनटू 8 अपॉन 3 इनटू 2 इनटू 1, 3 1 जा 3 3 जा 2 1 जा 2 4 जा 4 3s are 12, 10s are 120. This is how you expand NCR. जिसमें कुछ steps लगते ही लगते हैं. दुबारा आ जाओ. NCR बराबर होता है N factorial upon R factorial into N minus R factorial. अगर class 7 है तो जब ये आप इस formula को देखते हो तो बच्चा कहता है बार बार एक्सपैंड करता है. तो यहाँ पर एक मिस्टर पास्कल आए थे, उन्होंने एक शॉर्ट ट्रिक दी थी जो मैं आपको दे रहा हूँ. वो कहते हैं सबसे छोटी वैल्यू होती है 0C0, फिर होती है 1C0, 1C1, फिर होती है 2C0, 2C1, 2C2, फिर होती है 3C0, 3C1, 3C2, 3C3, फिर होती है 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4. आप देख सकते हो मैं लिख कैसे रहा हूँ. फिर होती है 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5. फिर होती है 6C0, 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5, 6C6. 7 तक बना लोगे तो और अच्छा रहेगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो कहता है 1C0 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है, ये सारी वैल्यूज 1 होती हैं. ध्यान से जो कॉर्नर वाली वैल्यूज हैं वो 1 होती हैं. बिल्कुल आराम से देखना. अगर मुझ पे शक हो तो किसी एक को भी उठा लेना. बच्चे ने कहा 5C5 एक बार करके देखते हैं. 5C5 जब करने गया बच्चा, 5C5 होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इनटू 5 माइनस 5 फैक्टोरियल. ये सही है क्या, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो आंसर कितना हो गया 1. आपने क्रॉस चेक भी कर लिया. पढ़ाई को कभी रटा मत करो. जब पहली बार समझते हो तो अपने सारे डाउट्स लेकर बैठा करो. कोई भी C0 हमेशा 1 होता है, NC1 ये भी 1 होता है. अब ध्यान से ये जो बीच वाली वैल्यू है
वो इसका और इसका सम होगी तो 2c1 बराबर हो जाएगा 2। ध्यान से देख लो, ये जो बीच वाली वैल्यू है वो इसका और इसका सम होगी तो बराबर हो जाएगी 3। ये जो बीच वाली वैल्यू है वो इसका और इसका सम होगी बराबर हो जाएगी 3। ये जो बीच वाली वैल्यू है वो इसका और इसका सम हो जाएगी 4। ये जो बीच वाली वैल्यू है वो 3 और 3 इसका सम हो जाएगी 6। ये जो बीच वाली वैल्यू है वो इसका और इसका सम हो जाएगी 4। दोबारा देख लो, जो बीच वाली वैल्यू है ये इसका और इसका सम हो जाएगी 5। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5। अगर मैं समझा पा रहा हूं तो बीच वाली वैल्यू इन दोनों का सम होती है, ये 6, ये 15, ये 20, ये 15, ये 6। अब अगर ध्यान से देखो तो इस ट्रायंगल को बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। एकदम इमीडिएटली बना लो और अपने आप एक शीट को फाड़ कर अपने पास रख लेना। बच्चे को अगर डाउट है तो बच्चे ने कहा 5c2 10 आएगा, एक बार सर करके दिखा दो। तो मैंने 5c2 सॉल्व कर दिया। एक बार बच्चे के डाउट के लिए 5c2 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो होगा 5 factorial upon 2 factorial into 5 minus 2 factorial, दैट इज 5 factorial upon 2 factorial into 3 factorial, 5 into 4 into 3 factorial upon 2 into 1 into 3 factorial। अगर 7 हो तो 3 factorial से 3 factorial गया, 2 1s are 2, 2s are 5, 2s are, मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया 10। आई होप कि मैं आपका डाउट क्लियर करा चुका हूं। पहले इसे कॉपी करना, फिर इस लेक्चर को आगे समझना, तभी फायदा होगा। ये करने के बाद हम जब आगे बढ़ेंगे, पास्कल ट्रायंगल का एक स्क्रीनशॉट भी ले लेना। मैंने 6 तक बनाया है, 6 से ऊपर आता नहीं है, आप फिर भी 7 तक बना लेना, एक लेवल आगे चले जाना। अब ध्यान से देखना, अब शुरू होती है बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम में सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला लगेगा मेरे बच्चों, एक फॉर्मूला है a+b की पावर n। a+b की पावर n आपके कोर्स में जो है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आपके कोर्स में जो है n जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा, मींस n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और डेसिमल में नहीं होगी। ये बराबर होता है nc0 पहले वाले की पावर n-0, दूसरे वाले की पावर 0, प्लस nc1 पहले वाले की पावर n-1, दूसरे वाले की पावर 1। फिर दोबारा nc2 पहले वाले की पावर n-2, दूसरे वाले की पावर 2। जो यहां नीचे है वो यहां पावर है, और पहले वाले की जो पावर है वो आएगी दिस माइनस दिस। आराम से देख लो, प्लस nc3 काउंटिंग प्रॉपर चलेगी, a की पावर n-3, b की पावर 3, डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म होगी ncn, लास्ट टर्म होगी ncn, a की पावर n-n, b की पावर n। कैसे पता चलेगा कि लास्ट टर्म आ गई है? जब ये और ये वैल्यू सेम आ जाए। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a+b की पावर n। इस अकेले फॉर्मूले की हेल्प से आप पूरी दुनिया जीत सकते हो बायनोमियल में। ध्यान से देख लेना, बस मेरी रिक्वेस्ट है, आप 3 बार इस फॉर्मूले को अपने हाथ से निकालो, अभी के अभी इस फॉर्मूले को 3 बार लिखो। अगर लिखोगे तो कंफर्टेबल रहोगे। हाँ, आने वाले टाइम में इस चैप्टर में आपके पसीने छूटेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं छूटेंगे। रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको 3 बार लिख लो। अगर 3 बार लिखा है तो आगे बढ़ने में तुम्हें भी मजा आएगा, मुझे पढ़ाने में भी मजा आएगा। अभी मेरे सामने यही है, बच्चे ने कहा सर अब इसकी एप्लीकेशन बताओ, अब इसकी एप्लीकेशन बताओ कि कैसे अप्लाई करेंगे। मैंने कहा ये फॉर्मूला तो तुम सबको पता ही है, a+b का होल स्क्वायर। इसमें मैं तुम्हारे साथ धोखा भी नहीं कर सकता,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर अकेला ऐसा फॉर्मूला होता है जो हर बच्चे को याद होता है। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाओ, बच्चे ने कहा यहाँ एन टू है तो पहली टर्म होगी टू सी जीरो पहले वाले की पावर टू माइनस जीरो दूसरे वाले की पावर जीरो प्लस टू सी वन पहले वाले की पावर टू माइनस वन दूसरे वाले की पावर वन लास्ट टर्म टू सी टू पहले वाले की पावर टू माइनस टू बी की पावर टू। आराम से देख लो अगर मैंने जल्दबाजी नहीं करी है तो एन सी जीरो ए की पावर एन माइनस जीरो बी की पावर जीरो आप देख सकते हो एन सी जीरो ए की पावर एन माइनस जीरो बी की पावर जीरो एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन बी की पावर वन एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू बी की पावर टू। मीन्स और जब ये दोनों सेम आ जाते हैं जब ये ऊपर और नीचे वाले सेम आ जाते हैं मीन्स दिस इज द लास्ट टर्म। अब 2c0 मुझे याद है मगर मैं पीछे जाऊंगा 2c0 जो है वो 1 होता है मेरे बच्चे 2c0 1 होता है तो 1 इंटू ए की पावर 2 माइनस जीरो ए स्क्वायर इंटू बी की पावर 0 किसी भी चीज की पावर 0 1 होता है प्लस 2c1 मुझे याद है 2 होता है 2c1 की वैल्यू क्या होती है 2 इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 1 प्लस 2c2 मुझे पता है 1 होता है 2c2 1 होता है 1 इंटू ए की पावर 0 जल्दबाजी नहीं करेंगे इंटू बी स्क्वायर। अगर क्लास देख रही हो तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये 1 होता है ये भी 1 होता है 1 इंटू बी स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो गया बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। कई बच्चे मुझसे असहमत होंगे कि भाई जिसका फॉर्मूला सिंपल सिंपल पता था उसको इतना लंबा लंबा करके कराने की जरूरत क्या थी। तो उसको लंबा लंबा करके कराने की जरूरत ये थी कि अब आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो। अभी तक आपको ए प्लस बी के होल क्यूब तक फॉर्मूलाज आते थे मगर आज इसी लेक्चर के बाद 5, 10, 15 मिनट बाद आप a प्लस बी की पावर 10 को भी एक्सपैंड कर पाओगे। सपोज मेरे पास आता है मैं इसी पेज पे रहना चाहता हूं ताकि आप उस फॉर्मूला को देख सको आता है a प्लस बी का होल क्यूब। मेरी रिक्वेस्ट है मुझे पॉज करो और एक बार खुद से करने की कोशिश करो। बच्चा कहेगा बस यहां फर्क इतना है कि n की जगह 3 आ जाएगा पहली टर्म होगी 3c0 a की पावर 3 माइनस 0 b की पावर 0 सेकेंड टर्म होगी 3c1 a की पावर 3 माइनस 1 b की पावर 1 थर्ड टर्म होगी 3c2 a की पावर 3 माइनस 2 b की पावर 2 और 3c3 मुझे ये कॉन्फिडेंस दे देगी कि अब सीक्वेंस की लास्ट टर्म आ गई है और a की पावर 3 माइनस 3 b की पावर 3। अब आपको बस 3c0 की वैल्यू लानी है अपने पेज आप पास्कल ट्रायंगल वाला पेज अपने पास रखना 3c0 की वैल्यू होती है 1। अगर क्लास देखे तो 1 इंटू ए क्यूब इंटू किसी भी चीज की पावर 0 होती है 1 प्लस 3c1 की वैल्यू मुझे याद है 3c1 की वैल्यू होती है 3 इंटू इसको देखो तो ए स्क्वायर बी प्लस 3c2 की वैल्यू मेरे को पता है 3c2 की वैल्यू होती है 3 आप लोगों के लिए बार बार जा रहा हूं 3 a b स्क्वायर और 3c3 की वैल्यू होती है 1 आप देख सकते हो 3c3 की वैल्यू होती है 1 तो 1 इंटू a की पावर 0 इंटू b क्यूब। अगर 7 हो तो a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस ये भी वन प्लस बी क्यूब। ये हमारी जो एक्सपेंशन हो गई ये हो गई ए प्लस बी का होल क्यूब।
अगर उधर कोई अर्जुन बैठा है तो उस अर्जुन से मेरी रिक्वेस्ट है, अर्जुन का मतलब ये नहीं कोई मेल अर्जुन, हर व्यक्ति, हर शिष्य जो गुरु की सारी बात मानता है वो उसके लिए अर्जुन है, ये बात याद रख लेना। नो मैटर हाउ गुड हाउ बैड यू आर, अगर आप अपने टीचर की गुरु की बात मान रहे हो तो यू आर एन अर्जुन एंड आई रियली अप्रिशिएट यू। तो मेरी उस बच्चे से रिक्वेस्ट है कि अब ये जो तीन बार लिखा था इसको दो बार और लिख लो, ताकि आप इतने तेज बोल पाओ। ए प्लस बी की पावर एन बराबर होता है एन सी जीरो ए की पावर एन माइनस जीरो बी की पावर जीरो प्लस एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन बी की पावर वन प्लस एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू बी की पावर टू प्लस एन सी थ्री ए की पावर एन माइनस थ्री बी की पावर थ्री डॉट 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 एन सी एन ए की पावर एन माइनस एन और बी की पावर एन। अगर इस लेवल तक एक्सपैंड कर पाओगे तो बाइनोमियल थ्योरम दिमाग के साथ साथ दिल में भी समा जाएगी। अब बच्चे से मैंने कहा एक प्रैक्टिस होमवर्क देता हूं, ए प्लस बी की पावर फोर एक्सपैंड करो, ए प्लस बी की पावर फाइव एक्सपैंड करो और ए प्लस बी की पावर सिक्स एक्सपैंड करो। अब ए प्लस बी की पावर सिक्स क्या होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, सिक्स सी जीरो ए की पावर सिक्स माइनस जीरो बी की पावर जीरो सिक्स सी वन ए प्लस बी ए ए ए की पावर सिक्स माइनस वन बी की पावर वन सिक्स सी टू ए की पावर सिक्स माइनस टू बी की पावर टू सिक्स सी थ्री ए की पावर सिक्स माइनस थ्री बी की पावर थ्री सिक्स सी फोर ए की पावर सिक्स माइनस फोर बी की पावर फोर सिक्स सी फाइव ए की पावर सिक्स माइनस फाइव बी की पावर फाइव और लास्ट टर्म सिक्स सी सिक्स। जब ये दोनों सेम आ जाए मीन्स ये लास्ट टर्म है ए की पावर सिक्स माइनस सिक्स बी की पावर सिक्स। ये हमारा एक्सपेंशन हो जाएगा ए प्लस बी की पावर सिक्स का, अगर क्लास सात है तो। यहां तक एक्सपैंड करना, फिर इस लेक्चर का आगे फायदा उठाना, बहुत छोटा बट बहुत दमदार लेक्चर है बाइनोमियल थ्योरम का। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय माता।